पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसके अलावा आपको बता दें कि समाजवादी यूथ के फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने दर्जनों मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रशासनिक अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी न होने पर तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक धरने की चेतावनी दी। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के खस्ता हाल और किसानों की बदहाली और निजीकरण, छात्र छात्राओं की फीस वृद्धि जैसी तमाम समस्याओं को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी की। ये तस्वीरें फिरोजाबाद की, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता शहर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगारी और अपराध के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी की लगातार जारी है और इसी के तहत कार्यकर्ता आज सड़क पर उतर आए। अध्यक्षगण एवं सभी पदाधिकारी गणों ने माननीय राज्यपाल महोदय जी के लिए ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हम लोगों ने ये मांग की है कि प्रदेश में जो खस्ता हाल प्रदेश का हो रखा है इस समय, जिस तरह किसान बदहाल है, जिस तरह निजीकरण किया जा रहा है, जिस तरह आरक्षण पर वार किया जा रहा है, जिस तरह छात्र छात्राओं की फीस में वृद्धि की गई है, जिस तरह दलित छात्र छात्राओं पर जो उसमें बीएड परीक्षा में प्रवेश निशुल्क हुआ करते थे उन पर जो रोक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस सबके विरोध में समाजवादी पार्टी के सभी संगठन के पदाधिकारियों ने, यूथ के सभी संगठन के पदाधिकारियों ने आज माननीय राज्यपाल महोदया जी को ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से।